हेलो जितेश जी, सुरज राम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद ब्रज राव। इसी के साथ हो गई है नए दिन के नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी हम लोग रूम चेंज करके आ गए हैं दूसरे रूम में, तो आपको रूम टूर करवा देता हूँ मैं। यहाँ पे है बाथटब जो हमारे इस रूम का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ पे है बाथरूम, यहाँ पे टी कॉफी फ्रिज बेड और यहाँ पे है सोफा। और व्यू आज का कुछ खास नहीं है, व्यू इनका जो एंट्रेंस है वही था, जो आगे से हम लोग एंटर होते थे वही वाला व्यू है। ये रहा हम स्टेज का बोर्ड। अभी हम लोग ब्रश करके निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आ गया ब्रेकफास्ट करने, और हमारे यहाँ का व्यू देखो, यहाँ पे मस्त सुबह सुबह बोटिंग हो रही है जग मंदिर के आसपास। और यहाँ पे देखो ओबेरॉय पूरा चमक रहा है, क्या ही सीन है, क्या ही नज़ारा है, सुंदर एकदम। और यहाँ पे हो रहा है ब्रेकफास्ट। आ गया हमारा दूसरा आलू पराठा, एक आलू पराठा हमने खा लिया है। अभी यहाँ पे चल रही है चाय, यहाँ पे देखो दही के साथ आलू पराठा, मजा ही कुछ और है, मजा आ गया। पहले हम जाते थे इस रूम में, अब जाएंगे इस रूम में। पहले हम 201 में जाते थे, अब हम जाएंगे 101 में। आए हमारा रूम काफी चिल और सही है। इसमें थोड़ी रील वील और शूट वूट करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे और फिर बाहर जाएंगे। तो जी अभी बज रहा है 2:58 और हमने मस्त रिलैक्स किया। ये जैकूजी में हमने दो चार रीले बनाई, फ़ोटो वोटो खींचे, कल की स्टोरीज लगाई, आज सुबह की स्टोरीज लगाई इंस्टाग्राम पे। अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं देखी तो जाके जल्दी से मुझे फॉलो कर लो, मेरा इंस्टा आईडी है VRAJ.RAO। अभी हम लोग जा रहे हैं फतेह सागर की ओर, वहाँ पे हम लोग जाएंगे अंडर द स्काई एक्वेरियम और उसके बाद घूमेंगे फतेह सागर लेक, और शाम को वहीं पे मस्त चाय वाय पियेंगे। उसके बाद डिनर करने का भी वहीं पे प्लान है, वहाँ पे साइकिल वाइकिल अवेलेबल होगी तो साइकिल चलाएंगे, और बोटिंग शायद हो सकता है तो करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। अभी चलते हैं बाहर, 3 बज रहे हैं तो धूप है, काफ़ी देर से हम उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि धूप कम हो जाए, लेकिन कोई ना, अब धूप में भी घूमना तो पड़ेगा ही, आए हैं तो 24 घंटे अब हमारे पास उदयपुर में, तो देख लेते हैं उदयपुर। चलते हैं बाहर अभी। बाहर निकलते ही माहौल देखो, यहाँ पे मस्त पानी सामने सामने जो दिख रहा है आपको, ये अम्बराई घाट है, उसके जस्ट सामने ये है। और यहाँ पे हमारा मुस्टैच अभी मस्त क्लाउडी है, तो चलते हैं बाहर, अभी कुछ गर्मी वगैरह लग नहीं रही। मुस्टैच से निकलते हैं तो हमें एक चीज़ भारी पड़ती है, वो है ये स्लोप। इस पर जब चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है माउंट आबू चढ़ रहे हैं, ऐसे चलते हैं चलते हैं चलते हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन ये भी एक्सपीरियंस है, एक बैकपैकर्स के लिए इससे बढ़िया एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो सकता। यहाँ से बाहर निकलेंगे और सिटी पैलेस दिखने लगेगा। ये देखो सिटी पैलेस यहाँ बाहर आते ही। पैलेस से निकलते ही हमने ले ली ऑटो, अभी पहुँचे हम जगदीश मंदिर, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बाहर की साइड, उसके बाद जाएंगे एक्वेरियम। हाथीपोल होके जाएगी ऑटो, यहाँ पे ऑटो की बहुत मगजमारी है, कुछ रास्ते बंद है, कुछ वन वे है, बहुत तकलीफ है। अभी हम बैठे हैं ऑटो में, पहुँचे हम फतेह सागर, और यहाँ पे मस्त वेदर है, एकदम ठंडा वेदर है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यह आ गया खाने पीने का मार्केट, पूरा शाम को पूरा माहौल होता है यहाँ पे। अभी बज रहे हैं 3:21 और हम लोग पहुँचे अभी एक्वेरियम, और यहाँ पे एंट्री टिकट है 158, तो दो जन की टिकट ली है हमने 316 रुपये की। अभी जा रहे हैं अंदर हम लोग, और ये जो एक्वेरियम है ये सामने ही पड़ता है फतेह सागर के जस्ट सामने, अंडर द सन एक्वेरियम है ये। यहाँ पे है बहुत सारी फिश, और यहाँ पे पूरा फिश टैंक लगे हुए हैं सारे, काफ़ी सुंदर बना हुआ है ये। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे एसी है तो थोड़ा बेटर लग रहा है। यहाँ हमने एंटर करके अंदर आए, उसके बाद फर्स्ट पूरा सेक्शन है ये, इसका नाम है आश्चर्यजनक शार्क। गई थी वीडियो बनाने के लिए, और जैसे ये बड़ी वाली आई, वो डेंजर वाली, वो भाग के बाहर आ गई।
यहाँ पे चढ़ के हम लोग करेंगे अभी फिश को टच, यहाँ पे हैंड वॉश कर लेने का, उसके बाद यहाँ हाथ डालने का। तो जी यहाँ पे देखो, ये हमें मिला है एक रेपीमा गिगास और ये डेड है, मरा हुआ, लेकिन इसको एक लिक्विड में रखा हुआ है। पे खाने का भी अवेलेबल है, कैफे है पूरा ये फिश वाला, ऊपर भी देख सकते हो नीचे भी देख सकते हो, ये फिश टैंक लगी हुई है चारों तरफ। ये देखो काऊ 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 काऊ, इसको कुछ कहना है, हमसे बातें करनी है, लेकिन वो बेचारा बातें नहीं कर पा रहा। यहाँ पे है सारी नियॉन कलर की फिश और कितनी सुंदर लग रही है देखो, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फिश एक्वेरियम देख लिया और सामने से ले रहे चना मटर टाइम पास करने के लिए। अभी फतेह सागर को एंजॉय करेंगे हम, मस्त इस साइड पहले वॉक करके आएंगे, उसके बाद जाएंगे इस साइड वापस। ये फतेह सागर, यहाँ पे है एक्वेरियम और हम लोग जा रहे हैं अभी जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिल रही है वहाँ पे। हम वहाँ पे घूम रहे थे अभी, ये फाउंटेन हमारे उस साइड था, मतलब हमें सामने से इस साइड दिख रहा था, अभी हम इस साइड आ चुके हैं और जा रहे हैं खाने पीने वाले मार्केट में। जो अभी बज रहे 4:17 और हम लोग आए हैं साई सागर की कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए शाम को। और यहाँ पे है साई सागर, ये है फतेह सागर, उसके जस्ट सामने है साई सागर, तो यहाँ पे कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है। शाम को यहाँ पे हर कोई कॉफ़ी पीने ही आता है। काफ़ी कुछ है मेन्यू में, मेन्यू एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मेन्यू में देख लो काफ़ी कुछ है, लेकिन कॉफ़ी एक नंबर है, ये लोग कॉफ़ी से ही जाने जाते हैं, लेकिन आप खाना भी खा सकते हैं यहाँ पे। तो जी यहाँ पे है बोटिंग राइड और यहाँ पे है कैमल राइड, काफ़ी सही है यहाँ पे, अच्छा माहौल है शाम को यहाँ पे। और यहाँ पे लाइन देखो बोटिंग के लिए, जो लाइन लगी हुई है तगड़ी लाइन बच्चों की। हमने यहाँ पानी पूरी और चाट खाया हमने ललित चाट में से, और यहाँ पे आई लव FS वाला साइन बोर्ड, उसके जस्ट सामने हमने खाया ये ललित में से चाट। करते करते पहुँचे मोती मगरी, उसके जस्ट सामने यहाँ पे चल रही स्ट्रीट शॉपिंग और यहाँ पे मस्त सनसेट होने की तैयारी है। अभी 4:51 हो रहा है, तो अभी 15-20 मिनट में और सनसेट हो जाएगा यहाँ पे। और ये बोटिंग पॉइंट भी है, यहाँ से सब लोग बोटिंग वगैरह करते हैं। अभी हम लोग घूम रहे हैं फतेह सागर और यहाँ से जाएंगे हम लोग चांदपोल, चांदपोल के बाद जाएंगे हम लोग गंगोर घाट की ओर और वहाँ पे हम जाएंगे बागोर की हवेली में धरोहर डांस शो देखने के लिए। तो अभी बज रहे हैं 5:03 और फटाफट चलते हैं अभी गंगोर घाट की ओर। जी यहाँ पे है फतेह सागर की एंट्री और उसके यहाँ पे मिल जाती है साइकिल, मस्त साइकिल लेके पूरा फतेह सागर घूमो, अच्छा है, मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। हमने ट्राई नहीं किया, एक बार लास्ट आए थे तब ट्राई किया था, काफ़ी सही था। जी अभी हम लोग पहुँचे हैं बागोर की हवेली, यहाँ गंगोर घाट के बाजू में, और यहाँ से हमने ली है टिकट जो डांस है धरोहर डांस शो, उसका 200 रुपीज़ का। और यहाँ पे अभी हम बैठेंगे चिल करेंगे थोड़ा, उसके बाद 6:30 को यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर उस टाइम पे अंदर जाके धरोहर डांस शो देखेंगे। गनगोर घाट पे किसी इवेंट की तैयारी चल रही है यहाँ पे, तो पूरा भरा हुआ है, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा आगे जाके बैठे। जी अभी 6:16 हो रहा है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बागोर की हवेली। अभी हम लोग गंगोर घाट पे बैठे हुए थे, काफ़ी मज़े किए यहाँ पे बैठ के, चिल किया थोड़ा, रिलैक्स किया, और अभी जा रहे हैं गंगोर घाट पे।
का मंदिर देखा तो दर्शन करने आ गए हम लोग। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं बागोर की हवेली में, ये देखो बागोर की हवेली, और अंदर चलते हैं धरोहर डांस शो देखते हैं। बजे धरोहर डांस शो खत्म हो गया हमारा और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। काफी सही था ये शो, अभी फटाफट यहाँ से निकलते बाहर। तो जी गणगौर घाट के आखिरी दर्शन, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बाहर की साइड, अपने होटल की साइड जाएंगे और यहीं से कुछ खाते पीते हैं। अब हम लोग आए हैं दाल बाटी खाने के लिए और यहाँ पे चल रहा है मैच, कौन सा कैफे ये पता नहीं, कोई तो कहीं कैफे है, मैं आपको बाहर से अभी जाऊँगा तो दिखाऊँगा। काफ़ी सही है लोकेशन वाइज, तो अभी खाएंगे दाल बाटी यहाँ पे। लेटर इन राजस्थान, राजस्थान में आया और ये दाल बाटी नहीं खाई तो क्या खाया, मस्त आई है ये। इसके साथ एक कढ़ी भी आई है चावल के साथ खाने के लिए, और ये है चूरमा और ये दाल दो। हम आए थे इस कैफ़े में, होटल गणगौर पैलेस नमस्ते कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, ये है बागुर की हवेली से बाहर निकलते ही यहाँ पर। यहाँ पे है हमारा मुस्टैच लक एरिया, तो जी हम आ चुके हैं रूम पे और अभी सोने की तैयारी करेंगे। अभी बज रहे हैं 8:53 और अभी बस सोने की तैयारी है, 9 बज रहे हैं, 9:30-10 बजे तक सो जाएंगे जी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आज हमने आपको उदयपुर बहुत अच्छे से घुमाया, हम भी काफ़ी थक चुके हैं आज, और अभी स्टेप्स भी हो गए हैं 9000 स्टेप्स हो चुके हैं, तो टफ है अभी बाहर कहीं वॉक करना और कहीं जाना आना। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कल हमारी ट्रेन जर्नी है तो उसको थोड़ा हम बताएंगे आपको, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कल की हमारी ट्रेन जर्नी कैसे रहती है। तब तक के लिए बाबा टेक केयर।